अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ कर भी ज़रूर देखें। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट जिन्होंने अभी कोरोना वायरस जैसे टाइम पर अपनी सर्विसेज का प्रोवाइड किया और उनके दरमियान में बहुत ही उम्दा कंपटीशन देखने को मिला। पहले नंबर पर है अमेज़ॉन के CEO जेफ़ बेज़ोज़, जिन्होंने अभी हाल ही में $34 बिलियन की इजाफा किया अपनी दौलत में। और सेकंड नंबर पे हैं अलीबाबा जिनके CEO जैक मा हैं और उनको हाल ही में $42 बिलियन की दौलत में इजाफा हुआ। दोस्तों हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस कोरोना जैसी वबा में जब लोग अपने घरों में स्टक हुए पड़े हैं और इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और लोगों के पास खाने पीने रहने को जगह नहीं है और दूसरी तरफ ये ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी सर्विस करके अपनी दौलत में इजाफा कर रहे हैं। अमेज़ॉन जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है और वहाँ पे आपके बालों से लेकर आपके जूतों तक हर वो चीज़ मैसर है ताकि लोगों को घर में बैठकर हर चीज़ मुहैया हो सके। इसी तरह अलीबाबा एक्सप्रेस जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है और ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है और अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा फास्ट किए हुए हैं और इसी तरह कुछ ही महीनों में उनकी दौलत में $42 बिलियन का इजाफा हुआ। जैक मा जो कि एक नहायत ही एक लाइफ स्टोरी के हवाले से फेमस हैं और उनके बहुत सारी चीज़ें मशहूर होने की वजह से लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं और उनकी दौलत में इतना इजाफा होना एक हैरत अंगेज़ साबित होता है। दोस्तों बात करने की वजह यह है कि हम लोग जो अपने घरों में स्टक पड़े हुए हैं क्यों ना हम लोग भी ऑनलाइन बिजनेस को देखें, उसको अंडरस्टैंड करें और हम भी कोई ना कोई काम अपने घर में बैठ कर सकें। हमारे घर में बैठ काम हो सकते हैं, हम अपने भी पैसे अर्न कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने कारोबार को संभाल सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखें भी। अल्लाह हाफिज़ जी।